हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरसलान मोब एंड पीसी की जानिब से। मैं आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपके लिए लेके आया हूँ कि आप लोग कंप्यूटर में अपनी पिक्चर्स, वीडियोस या जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एनीथिंग जो भी आप हाइड करना चाहते हैं वो कैसे हाइड कर सकते हैं, और अनहाइड कैसे कर सकते हैं। तो यह है मेरी वेबसाइट mobandpc.blogspot.com, और यह है फेसबुक का है mobandpc786 facebook.com/mobandpc786 एंड twitter.com/mobandpc786। तो आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, मेरा पेज लाइक कर सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ। तो जैसा कि ये है मेरी पिक्चर्स वगैरह पड़ी हुई हैं, जो ये एक वीडियो पड़ी हुई है, तो इसको हम कैसे हाइड कर सकते हैं। तो जो भी आपने हाइड करना है उसे सेलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, और उसके बाद यहाँ से ये हिडन कर दें, अप्लाई, ओके। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये हाइड नहीं हुई, क्योंकि मेरे यहाँ से ये ऑप्शन अभी ऑन है। फोल्डर ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से डोंट शो कर देना, तो ये देख रहे हैं आप वो हिडन हो गई। तो इसी तरह आप ये सब के सब भी हाइड कर सकते हैं, हिडन, अप्लाई। ये देख रहे हैं, पूछ रहे हैं अप्लाई चेंजेस टू सेलेक्ट आइटम्स ओनली, और अप्लाई चेंजेस टू सेलेक्ट आइटम्स एंड सब फोल्डर्स। मतलब ये है कि अभी ये फोल्डर जो है यहाँ पे, तो ये भी मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि आप ये फोल्डर सिर्फ हाइड करना चाहते हैं या इसके अंदर जो चीज़ है वो भी हाइड करना चाहते हैं। तो हम इसे सिर्फ फोल्डर ही हाइड करेंगे, तो इसके लिए अप्लाई चेंज या सब सर्व कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता। तो अप्लाई चेंज टू द सेलेक्ट आइटम्स ओनली, ओके। एंड ये देखें, ये सारा हाइड हो गया। अभी हम दोबारा ओपन करके ये देखें, यहाँ मेमोरी उतनी शो करेगा, लेकिन ये देखें ये हाइड हो गया, यहाँ से कुछ भी नहीं। अभी इसे हमने दोबारा वापस विजिबल देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप ऑप्शन में आए, फोल्डर ऑप्शन, फोल्डर ऑप्शन के बाद व्यू में जाएँ और शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड अप्लाई, ओके। तो ये देखें, ये विजिबल हो गए, लेकिन अभी ये आपको वाजह तौर पर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये हमने हिडन किए हुए हैं। अगर हम दोबारा इसे वहाँ से डॉट शो कर देंगे तो ये दोबारा गायब हो जाएंगे। तो ये देखें, अभी ये विजिबल सही नहीं, इसके अंदर ओपन करेंगे तो ये सारी पिक्चर्स जो भी हैं ये सभी विजिबल नज़र आएंगी सही तरह से, क्योंकि हमने सिर्फ इसके ऊपर किया था। अगर हम इसके अंदर भी वो फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं उनको भी करते तो वो भी ऐसे सही तरह नज़र नहीं आती, बल्कि इसी तरह जिस तरह ये इस तरह नज़र आती है। अगर हम इसे दोबारा फोल्डर व्यू और डॉन शो में जाके अप्लाई होकर, तो ये अगर हम इसे अब दोबारा देखना, थोड़ी देर के लिए देखने के लिए आप यहाँ से शो कर सकते हैं, दोबारा डॉट शो कर सकते हैं। अगर आप दोबारा परमानेंटली इसे वापस लाना चाहते हैं अब, तो इसके लिए सभी दोबारा सेलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज़ में दोबारा जाएं, और ये देखें ये एक ऑप्शन है इजाफी विंडो का, तो इसे मैं अनसेलेक्ट कर देता हूं और फिर दोबारा प्रॉपर्टीज़ में जाता हूं। अभी भी ये और भी फोल्डर है, सॉरी, ये और अब दोबारा प्रॉपर्टीज में गए, तो ये देखें ये हिडन का ऑप्शन आ गया। ये विंडोज़ का फोल्डर थे इसलिए वो हिडन है, वो करें वो शो नहीं होंगे परमानेंटली। तो इसे हम यहाँ से अनसेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से ये फिर पूछ रहा है, तो यहाँ से जो मैं जो आपने पहले सेलेक्ट किया वो कर दें। तो ये देखें, अगर आपने ये अंदर से भी दूसरे इंसान पे अप्लाई किया होता तो फिर अगर आप करते तो ये अंदर वाली शो वैसे शो नहीं होनी थी,
और ये वाली हो जानी थी। ये बाहर से फोल्डर शो होना था, अंदर से एम्प्टी नज़र आने थे अगर हमने पहले ये वाला ऑप्शन किया होता, अप्लाई सा फोल्डर्स वाला, ये वाला अगर हमने ये किया होता तो। आज का वीडियो ट्यूटोरियल इतना था, देखने के लिए शुक्रिया, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और ये मेरे वेबसाइट है और ये फेसबुक का है, facebook.com/mobandpc786 ये पेज है, या ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं twitter.com/mobandpc786 और mobandpc.blogspot.com। और आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह ये पूरी, जैसे ये पार्टीशन है, एक ये वाली भी पार्टीशन है, इसे हम पार्टीशन कहते हैं, ये डिस्क ड्राइव, तो इसे हम कैसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा अपने आने वाले अगले वीडियो ट्यूटोरियल में। तो तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।